कभी चलता है हाँ तो क्या हाल चाल है आपका। सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से सोया हुआ था, फिर अचानक पता चला कि भाई का ट्रक कल्टी हो गया है। आगे से पता चला है कि पीटीआई से बल्ला और सानिया मिर्जा से बल्लेबाज दोनों ही छिन गए हैं। ये वाली तस्वीर देखकर तो मेरा त्राह ही निकल गया। यानी मैं तो इकराल और असन की तीसरी शादी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन शोएब मलिक तो इससे भी ज्यादा तोला निकला। मसला ये नहीं है कि इन दोनों ने शादी की है, शादी तो हर किसी की होती है, सबकी नहीं होती। खैर मसला ये नहीं है कि इन दोनों ने शादी की है, बल्कि इस भाई साहब की तीसरी शादी है और इस बहन साहब की दूसरी, कह लो। ये दोनों शादियों पे शादी खड़काई जा रहे हैं। मैं सीधी बताऊं कि इन भाई साहब ने गाड़ी बेचकर टायर नहीं बल्कि स्टेपनी खरीद ली है। कादी आजम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तानी और इंडियन एक साथ नहीं रह सकते, मैंने आज देख भी लिया है। वो कौन सी 5 लड़कियां हैं उनके नाम लिए जाए जिनको आप पसंद करते हैं किसी भी इंडस्ट्री से? क्या यार ये मेरे दिल को लगी है ठा करके। मजे की बात बताऊं, मजे की बात, बंदियां वैसे ही ठा करके लगती हैं। सब क्या देखना पड़ रहा। 5 लड़कियों के नाम बताओ। 5 नहीं, मैं 500 हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बंदियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, दुनिया भर से, लेकिन 5 नाम आई थिंक वोंट बी एनफ। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मजे की बात, और मजे की बात बताता हूँ, मेरी लड़कों से ज्यादा लड़कियों से बेस्ट साले। भाई साहब ने ये जो ट्रेंड है ना कि अपने लोगों को धोखा दो डार्लिंग और मुझे धोखा दो, ज्यादा सीरियस लेते हुए इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो अब हम चलते हैं ट्विटर की तरफ, क्योंकि इस मुल्क में पूरी दुनिया में जब भी कोई रोल होता है तो सबसे ज्यादा समझदार और चलाक लोग ट्विटर पर मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक्सपर्ट की राय, वो क्या कहते हैं शादी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज मुझे पढ़ने नहीं आते, आगे लिखा हुआ है उमैर जसवाल टू ट्विटर पीपल। पापी हो चुप हो जाओ, देखो कितने प्यार से दोनों गले मिल रहे हैं, टच चाहते हैं एक दूसरे को। आखिर में लड़की उसे मिली जिसे वो चाहती थी। अबे इसकी माँ का ये बात कर रहा है, तू बात कर रहा है ये? अरे तू बोल रहा है ये सब? क्या बोलू क्या बोलू, जब लड़की नहीं मिली तो यही बोलना पड़ेगा ना। सही बात है, आप क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ लोग मैंने भी देखे हैं कि जब उनकी बच्ची उनको ठुड्डा मार जाती है, फिर वो ये थोड़ी कहते हैं कि लड़की ने हमें लात मारी, फिर वो अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं कि तुझे तो पता है कि तेरा भाई इन कामों से दूर रहता है, और हकीकत में उसे एक बच्ची के लिए रो रो कर इनका आगे पीछे से खून निकला हुआ होता है। हाथों पर इन्होंने कट लगाए हुए होते हैं कि जैसे ब्लड बैंक इनके अबे का है। बंदा बोले अगर खून ज्यादा ही है तो किसी गरीब को डोनेट कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कादर से एक बात पूछ लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। केवल कादर से एक बात मुझे पूछने दो। कादर, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? तुम इस सब का परवाह मत करो, समाज की परवाह नहीं करो। तो मैं जब काजल को कोई और ही ले उड़ा है, अब उसमें सुरमा भी डालेगा और काजल भी पहनाएगा कि काजल ने समाज की परवाह शादी से पहले नहीं की, शादी के बाद आप क्या करेगी। यार बस आज के लिए इतना ही काफी है, बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई शादी करे, कोई मुजरा करे या कोई और यकीन लगाए, अपना किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, एक्सपर्टी से भी ऊपर वाली कैटेगरी को फॉलो करता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, एक जैसे कमेंट भी कर दो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।